राजस्थान की जनता को फैसला करना है कि अगले विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की सत्ता को कौन संभाले। चार साल चार महीने इस राजस्थान पे कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता से, किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से बहुत वादे किए, उनको बहुत सपने दिखाए कि हमारा राज आएगा तो हम किसान की दिशा को परिवर्तन करेंगे, किसान के माल को ठीक उपज मूल्य को बेचेंगे, हर खेत को पानी देंगे, बिजली देंगे, और इन बुनियादी बातों को लेकर उन्होंने जनता से वादे किए थे। उन्होंने राजस्थान के नौजवानों से बहुत वादे किए कि वसुंधरा जी ने राजस्थान के नौजवानों को धोखा किया है, एक बार हमको मौका दे दो, हम राजस्थान से बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, किसान के बेटे को काम देंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, और राजस्थान के अंदर इस पांच साल के अंदर कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहे, इस सपनों के साथ उन्होंने राज दिया था। आज हालत क्या है, चार साल चार महीने हो गए, ये मालपुरा का किसान राज जाने के बाद जिस कांग्रेस ने वादा किया था हम किसानों को 8 घंटे थ्री पेस बिजली देंगे, 24 घंटे सिंगल पेस बिजली देंगे, किसान की उपज की माल को खरीदेंगे, खाद में सस्ता करेंगे, बीज सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे और किसान की उपज को ठीक मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस का शासन है, राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, मुझे एक कारण बता दो जिसके आधार पर राजस्थान के किसान को या देश के किसान को इस कांग्रेस ने क्या उसकी उपज की लागत मूल्य को कम करने का काम किया है, क्या किसान के बीज को सस्ता किया, क्या किसान के खाद को कम रेट पर किया, क्या डीजल कम रेट पर किया, क्या उन्होंने किसान के गांव के अंदर जिस वादे के साथ चार साल तक आता 8 घंटे बिजली देंगे सिंगल पेस, गांव के किसान का बेटा पढ़े 24 घंटे बिजली देंगे। आज एक बार बता दें इस हिंदुस्तान के अंदर किसानों की जो माली हालत हुई है उसके जिम्मेदार है तो दिल्ली और राजस्थान में बैठे कांग्रेस की हालत है। आज डीजल की रेट इस चार साल के अंदर जबकि दिल्ली में उनका राज है लगातार बढ़ते बढ़ते 17 गुना रेट बढ़ाने के बाद आज किसान को डीजल खरीदना पड़ता है, किसान की बीज महंगा हो गया, किसान का डीएपी महंगा हो गया, किसान की उपज का मूल्य अगर किसान के डीजल और किसान के खाद के एवरेज के माने तो 17 गुना किसान की उपज का मूल्य बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या गेहूं जो 1000 रुपये बिकता था उस समय क्या 17000 रुपये बिकने लग गया, क्या जिस एवज के अंदर डीएपी की रेट बढ़ी 450 रुपये का डीएपी का कट्टा मिलता था आज 1100 रुपये का डीएपी का कट्टा मिलता है, क्या किसान की उपज का मूल्य दुगना हो गया। आज सवाल जनता करना चाहती है, अरे तुमने हमने दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, तुम्हें राजस्थान की सत्ता सौंपी थी, बड़े सपने थे कि राजस्थान और दिल्ली की सत्ता एक साथ होगी तो हम राजस्थान के किसानों को काया पलट करेंगे। एक वादा बता दो जिसके आधार पर राजस्थान के किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम इस कांग्रेस ने किया, क्योंकि आजादी के 55 साल तक दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस शासन करती रही, लेकिन जो माली हालत हुई है, जो सबसे कमजोर हालत हुई है वो किसान की हुई है, किसान के बेटे की हालत हुई। आज किसान की उपज होकर ले ले, किसान तपती धूप के अंदर चुटुटी ठंड के अंदर बड़ी मेहनत के किसान अपनी उपज को उगाता है, अरे कांग्रेस के बेईमान लोगों तुम तो उसकी उपज का मूल्य ठीक नहीं मिला सकते और समर्थन मूल्य पर तुम उनको खरीद नहीं सकते, तुमने हमने राजस्थान के किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उसका परिणाम आपको 4 महीने बाद जब जनता के बीच में जाओगे तो राजस्थान की सत्ता के जिस सपनों को आप देख रहे हो, दिल्ली की सत्ता के सपनों को देख रहे हैं, इसका परिणाम राजस्थान के किसानों को बताएंगे। साथियों आज जब मैं गांव में जाता हूं कि हालत की होगी गांव के अंदर कि किसान की उपज का मूल्य नहीं, किसान की लोअर कास्ट को कम नहीं किया,
किसान के नौजवान को जिस बेरोजगारी को छोड़ा है, आज अगर एक भर्ती निकल जाती है, राजस्थान के सचिवालय में चपरासी की भर्ती निकली तो एमए से बीएड लेकर और एमकॉम तक पढ़ने वाला वो नौजवान चपरासी की नौकरी करने के लिए युवा हुआ तो उस बेईमान सरकार के कारण। आज 3-3 लाख आदमी, अगर 3,000 नौकरी होती है तो 3 लाख नौजवान यहां पर रोजगार के लिए आता है, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे होमगार्ड की भर्ती हो, चाहे वन रक्षक की भर्ती हो। अरे बेईमानो, तुमने राजस्थान के इस नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। किसान का बेटा, आज किसान जिस मेहनत से अपनी उपज को लेकर बेटे को पालता है, एक सपना देखता है, मेरा बेटा पढ़ा लिखेगा, पढ़े लिखे रोजगार करेगा, रोजगार के आधार पर आत्मनिर्भर करेगा, लेकिन आज तुमने उस नौजवान के, किसान के बेटे के सपने को चूर कर दिया। आज उसको चपरासी की नौकरी के लिए वेट करने पड़ गया। आज अगर पुलिस की भर्ती करने जाए, नीचे ट्रेन के ऊपर बैठ के जाए, ऊपर ट्रेन के बैठ के जाए, हजारों नौजवान जिस तरीके से ट्रेनों में बैठकर, रोड पर खड़े होकर, जमीन पर खड़े होकर जिस तरीके से परीक्षा देते हैं। अरे बेईमानो, तुमने अगर वादा किया था कि हम राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर इस बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, क्या राजस्थान के अंदर बेरोजगारी समाप्त होगी? आज राजस्थान का नौजवान चिल्ला रहा है, दर्दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन तुमने राजस्थान के नौजवानों को रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर उसको रोजगार देने का काम नहीं किया। आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने रोजगार के आधार पर नरेगा खोल दिया। अरे तुम नरेगा के अंदर उस नौजवान एमए बीएड के नौजवान को नरेगा के मजदूर बनाना चाहते हो? आज हालत क्या है, जिस तरीके से किसान के नौजवान की बेटों की हालत की है, आज राजस्थान का किसान का नौजवान जिस सपनों के आधार पर कांग्रेस की सत्ता को उन्होंने दिल्ली और राजस्थान में भेजा था, आने वाले समय में यही नौजवान सड़कों पर निकलेगा और तुम्हारे दिल्ली और राजस्थान की सत्ता को नीचे गिरा के। इसलिए साथियों, वक्त आ चुका है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं, इन सब की हालत बिगड़ गई। आज जिस तरीके से सरकारें नगद पैसा बांटकर वोटों को खरीदने का काम कर रही, ये अशोक गहलोत साहब जिस तरीके से निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांचें और निःशुल्क योजनाएं चला रहे हैं, अरे ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। आज इतनी निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच होने के बाद भी आज किसान और किसान के बेटे को अपने इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपके पास साधन नहीं, आपके पास डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं। इसलिए निःशुल्क और निःशुल्क दवा जांच का लाभ जब होता, जब गांव के अंदर कंपाउंडर होता, डॉक्टर होता और उसको सुविधा मिलती, तो कोई नौजवान को और किसान के बेटे को कभी प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं जाना पड़ता। इसलिए साथियों, ये जो योजना है, ये नगद पैसा बांटकर 6 महीने के अंदर जनता के फंड के आधार पर जिस तरीके से वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, ये राजस्थान के प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए मौका आ गया है, वसुंधरा जी आपके बीच में आने वाली है। जिस तरीके से वसुंधरा जी ने 5 साल शासन किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर लोगों को रोजगार से खड़ा करना, किसान को आत्मनिर्भर बनाना और एक राजस्थान को एक विकासशील और विकसित राज्य के रूप में खड़ा करने का काम उन्होंने किया था। अगर आप उन सपनों को देखना चाहते हो कि राजस्थान के हर नौजवान को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, किसान आत्मनिर्भर हो सके, महिला आत्मनिर्भर हो सके, तो वसुंधरा जी को एक बार मौका देकर देखो। मेरा दावा है, एक बार सत्ता आने के बाद 5 साल आप राजस्थान के इस विकास के और डेवलपमेंट के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम राजस्थान में बेरोजगारी समाप्त करेंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसान की उपज का ठीक माल मिले इसकी व्यवस्था करेंगे और गांव शहरों के अंदर जो विकास की असंतुलन हुआ उसको दूर करने का काम करेंगे। इसलिए एक मौका हम सबको वसुंधरा जी को देना चाहिए, गांव गांव जाकर अशोक गहलोत के इस 4 महीने के अंदर जो काम के नाम पर वो वोट खरीदना चाहती है उसका खुलासा करना चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए। मेरा दावा है कि आप सब अगर निकल गए, इस तपती धूप के अंदर बैठे हो, पसीना बहा रहे हो, तो ये पसीना इस 4 महीने के अंदर बहा दो, राजस्थान में इस कांग्रेस के कुशासन को समाप्त कर दो और भाजपा के शासन को लाकर दिल्ली और राजस्थान में नए शासन की शुरुआत कर दो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।